भगवान को भोग लगाना है तो कैसे लगाया जाएगा। एक सेठ जी का मुनीम जगन्नाथपुरी जाने लगा। सेठ जी ने कहा, बेटा मुनीम मेरे 100 रुपए ले जा, जगन्नाथ जी की वहां पर हुंडी होगी, जगन्नाथपुरी में दान पेटी में हुंडी लिखा है, हुंडी हुंडी में डाल देना, अर्थात दान कर देना, मेरे 100 रुपए दान पेटी में डाल देना। मुनीम जी गए, जगन्नाथपुरी पहुंचे तो देखा कि जगन्नाथपुरी में कुछ संत खूब मन लगाकर भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये मुनीम जी भी बैठ गए। मुनीम जी को किसी संत ने कहा कि ये संत आज जो कीर्तन कर रहे हैं ना, आज इन्होंने सवेरे से कुछ खाया नहीं है। तो मुनीम जी को लगा सेठ जी ने 100 रुपए दिए हैं, क्यों ना 100 रुपए से इनको खिलाया जाए, हुंडी में तो हम बाद में भी डाल देंगे। सेठ जी ने प्रसाद खरीदा, 98 रुपए का, 98 रुपए का प्रसाद आया, 2 रुपए बच गए। 98 रुपए के प्रसाद से संतों को पेट भर के खवाया, 2 रुपए बचे तो हुंडी में डाल दिया। रात को जब सेठ सोया तो जगन्नाथ भगवान ने सपने में कहा, सेठ जी तुम्हारे 98 रुपए तो पहुंच गए पर 2 रुपए पहुंचे नहीं। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा मुनीम तो बड़ा ईमानदार है, मेरा मुनीम बड़ा ईमानदार है, उसने 2 रुपए का क्या किया है। जब मुनीम आया तो सेठ ने पूछा, क्यों रे 98 रुपए तूने भगवान को दिए और 2 रुपए नहीं दिए, कारण बता। मुनीम ने कहा, सरकार आपको उल्टा सुनाई पड़ा है, हमने 2 रुपए ही दिए हैं जगन्नाथ भगवान, 98 तो दिए नहीं। तो बोले, तूने 98 रुपए का क्या किया। बोले, मैंने संतों को भोग लगाया, भोजन कराया। सेठ समझ गए कि जो पैसा संत सेवा में खर्च हुआ वो तो भगवान तक पहुंच गया, और जो तुमने दान पेटी में डाल दिया वो भगवान तक नहीं पहुंचा। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि आप जब अपने धन से संत सेवा करते